की हाल चाल दोस्तों, उम्मीद है सब चंगा सी। दोस्तों आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा वीडियो को थोड़ा लेट से लाने के लिए। मैं थोड़ा कॉलेज के काम में फंसा हुआ था, अब से रेगुलर वीडियो आएगी पक्का प्रॉमिस। तो आज की जो वीडियो है वो मैंने बनाया है कुछ ऐसे टॉप फैक्ट ऑफ इंडियन रेलवे के बारे में जो आपने शायद ही सुना होगा, और अगर सुना भी है तो इससे आप अपने नॉलेज को और गेन कर सकते हैं। तो सीट की पेटी बांध लीजिए, एक मिनट, हम तो रेलवे की बात कर रहे हैं। तो सब्सक्राइब बटन दबा के अपना सीट कंफर्म कर लीजिए मेरे साथ इस टॉप फैक्ट की यात्रा में। शुरू करते हैं बिना किसी। अरे पारिवारिक चैनल है भैया। फैक्ट नंबर 13। आप में से काफी लोगों को लगता होगा इंडियन रेलवे की जो पहली ट्रेन होगी वो कोई पैसेंजर ट्रेन होगी, राइट? यही लगता होगा कि वो अंग्रेजों को कुल्लू मनाली तक छोड़ती होगी, बट ऐसा नहीं है। हमारी इंडियन रेलवे की जो पहली ट्रेन है वो एक गुड्स ट्रेन थी जो कि 16 अप्रैल 1937 को चलाई गई थी मद्रास के रेड हिल से चिंताद्रिपेट तक, और इसे ग्रेनाइट स्टोन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जाता था। फैक्ट नंबर 12। आपने अपनी सबसे लंबी ट्रेन यात्रा कौन सी की होगी? कभी सोचा है? एक दिन की, दो दिन की, 2000 किलोमीटर की, 2500 किलोमीटर की? बट आपको पता है इंडियन रेलवे की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेन कौन सी है जो डिस्टेंस कवर करती है सबसे ज़्यादा? उसका नाम है विवेक एक्सप्रेस। ये ट्रेन डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी तक चलती है और ये 4286 किलोमीटर कवर करती है अराउंड 82 आवर्स एंड 30 मिनट में, यानी करीब 4 से 5 दिन। और ये सिर्फ इंडिया की नहीं, इस सब कॉन्टिनेंट की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेन है। वाओ, व्हाट अ फैक्ट। अब आते हैं फैक्ट नंबर 11 में। क्या आपको पता है इंडियन रेलवे का सबसे लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है? आप में से काफ़ी लोग बोलेंगे कि खड़गपुर, बट आई एम सॉरी दोस्त, अब वो हिस्ट्री हो चुका है। इंडियन रेलवे का सबसे लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म अब गोरखपुर हो चुका है जिसकी लंबाई 1366 मीटर की है और खड़गपुर स्टेशन की लंबाई 1072 मीटर की है। इसी के साथ खड़गपुर जो है सेकंड स्थान हासिल किया है। फैक्ट नंबर 10। आपको पता है हमारी इंडियन रेलवे की फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन कौन सी थी? काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे, बट आपको जान के ये हैरानी होगी कि हमारे इंडियन रेलवे की एक फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन एक लोकल ट्रेन थी जो कि विक्टोरिया टर्मिनस, अभी का जो CST है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, से कुल्ला हार्बर तक चलाई जाती थी। और हमारे इंडियन रेलवे की सबसे पहली एक्सप्रेस इलेक्ट्रिफाइड ट्रेन जो है वो डेक्कन क्वीन है जो आज भी चलती है, और उस ट्रेन को अलग ही प्रायोरिटी मिलती है अपने रूट पे जो कि मुंबई से पुणे के बीच चलाई जाती है। तो दोस्तों अब चलिए बात कर लेते हैं इंडियन रेलवे की सबसे लग्जरियस ट्रेन। दोस्तों इंडियन रेलवे की सबसे लग्जरियस ट्रेन का नाम है महाराजा एक्सप्रेस, शायद आपने काफ़ी लोगों ने सुना भी होगा। पर क्या आप ये जानते हैं कि ये वर्ल्ड की भी सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव ट्रेन जर्नी है? ये अपना ट्रिप 8 डेज के कोर्स में कंप्लीट करता है जिसमें ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट सिटीज़ को कवर करता है जैसे खजुराहो, वाराणसी, मथुरा एक्सेट्रा, और इसके पर ट्रिप पर पर्सन का कॉस्ट आता है लगभग 60,000 से 2 लाख के बीच में। बाप रे, क्या आप इतने पैसे ट्रेन जर्नी के लिए स्पेंड कर सकते हैं? अब आते हैं फैक्ट नंबर 8 में। ये मेरा फेवरेट फैक्ट है। क्या आपने कभी इंडियन रेलवे के वो हाथी को देखा है जो लैंप लिया रहता है? जी हाँ, इमेज में आप देख सकते हैं, इसका नाम होला है। और ये जो लैंप लिया रहता है इसमें ग्रीन कलर का लाइट जलता है जो सिग्निफाई करता है कि इंडियन रेलवे जो है वो बहुत ही अश्योर्ड है अपने पैसेंजर के सेफ्टी को लेके, और वो हमेशा जो है विदाउट फियर ट्रेवल कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे लोकोमोटिव की बारे में बात करें तो मैंने अपने वीडियो में आपको काफ़ी इलेक्ट्रिक मोटर लोकोमोटिव के बारे में बताया था जो कि काफ़ी पुरानी थी, लाइक 1965 के टाइम्स की भी। बट आपको क्या पता है कि हमारे इंडियन रेलवे में एक ऐसी लोकोमोटिव है जो 1855 से चल रही है और आज भी वो अपनी सर्विस दे रही है? जी हाँ दोस्तों, शॉक्ड हुए ना सुन के?
इस इंजन का नाम है फेरी क्वीन। इस लोकोमोटिव का मैन्युफैक्चर 1855 में हुआ था और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्ड करता है ओल्डेस्ट स्टीम लोकोमोटिव इन द वर्ल्ड इन रेगुलर सर्विस में। वाओ, क्या माथा घुमा देने वाला फैक्ट है। दोस्तों, आप कभी तिरुवनंतपुरम बोलने में फंबल किए हैं स्टेशन का नाम लेने में? अगर किए हैं तो एक बार इसे देखिए। दोस्तों, ये जो है इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट स्टेशन नेम है। प्लीज़ इसको एक बार पढ़ के देखिए, मुझसे तो नहीं बोला जाएगा तो आप खुद ही पढ़ लीजिए। और यहाँ के लोकल्स जो हैं इसमें प्रीफिक्स लगाते हैं श्री, मतलब इतना बड़ा नाम उसके आगे भी एक प्रीफिक्स श्री। वाओ, माइंड ब्लोइंग फैक्ट। तो चलिए दोस्तों, अब जब लॉन्गेस्ट स्टेशन नेम की बात की है तो एक शॉर्टेस्ट स्टेशन नेम भी देख लेते हैं क्या है। तो ये है आपके स्क्रीन पे, जी हाँ दोस्तों, आईबी बस यही, जो कि है उड़ीसा में, जो कि यहाँ की एक रिवर है उसके नाम पे पड़ा है, जो कि महानदी का ट्रिब्यूटरी है। अगला फैक्ट, तो क्या आप दोस्तों जानते हैं इंडियन रेलवे में करीब 1.6 मिलियन एम्प्लॉयज़ हैं, जो इसको वर्ल्ड का 9th मोस्ट एम्प्लॉयड फर्म बनाता है। गजब। दोस्तों, आपको पता है ऑस्ट्रेलिया की आबादी कितनी है? आप सोच रहे होंगे ये कहाँ में आ गया। तो जितनी ऑस्ट्रेलिया की आबादी भी नहीं है ना, उतने तो डेली पैसेंजर इंडियन रेलवे में सिर्फ ट्रेवल करते हैं, करीब 25 मिलियन डेली पैसेंजर। ओ माई गॉड, सीरियसली। चलिए दोस्तों, चलते हैं आखिरी फैक्ट की तरफ। क्या आपको पता है इंडियन रेलवे में 50 सालों तक कोई भी टॉयलेट नहीं था? जी हाँ दोस्तों, इंडियन रेलवे के स्टार्टिंग फेज 50 ईयर्स कोई टॉयलेट नहीं हुआ करता था। अब लोग कैसे हल्के होते थे वो तो मैं नहीं जानता, बट हाँ, ये एक फैक्ट था काफ़ी इंटरेस्टिंग, बहुत ही माइंड ब्लोइंग। तो ये कुछ फैक्ट दोस्तों जो मेरे काफ़ी मेहनत करके आपके लिए लाया। आप अपने फेवरेट फैक्ट प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, सायोनारा।